हेलो, कैसे हैं आप सब? ओह माय गॉड, क्या है ये तो बहुत खूबसूरत है, कैसे बनाया? ये सेम रिएक्शन मेरी फ्रेंड का था जब वो मेरे घर आई थी। चलिए मैं आज आपको भी बताती हूँ कि क्या है ये। ये है कोकेडम्मा। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। चूँकि ये जापानीज़ गार्डनिंग आर्ट है, इसलिए इसे जापानीज़ मॉस बॉल भी कहा जाता है। इसमें सॉइल की एक बॉल तैयार की जाती है और उसके बाद उसे मॉस से रैप कर दिया जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोकेडम्मा की सॉइल कैसी होनी चाहिए, इसे रैप कैसे किया जाता है और इसकी केयर कैसे की जाती है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सॉइल की। तो सॉइल में मैंने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और उससे थोड़ी सी कम कोकोपीट और उससे भी थोड़ी सी कम वर्मी कंपोज और उससे भी कम मैंने परलाइट लिया है। क्योंकि ये थोड़ा सा मैसी होगा तो हम तैयारी कर लेते हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी सॉइल तैयार हो गई। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम मॉस लेंगे और इसे हम पहले थोड़ी देर सोक कर लेंगे। उसके बाद हम अपने मॉस को इस तरह से फैला लेंगे। अपना ये पौधा इसके बीचों बीच रखेंगे। सिंपल थ्रेड मैंने लिया डार्क कलर का और इस पे इस तरह से टाइटली रैप करना है उसे। इसलिए इस जगह से टाइट बांधना है। बॉल बनाते समय आप प्लांट छोटे रूट्स के सेलेक्ट करिए तो अच्छा रहता है। तो देखा कितना आसान एक मॉस बॉल बनाना। इसको बनाने के बाद हम इसे एक बाउल में पानी लेके उसमें डिप कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पानी ऐसे ही देना है। जब भी हमें इसे पानी देना है हमें इसे निकालना है और एक बाउल में सोक करके रख देना है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हमें इसको ऐसे निकालना है और इसे हल्के हाथों से प्रेस करके एक्स्ट्रा वाटर निकाल देना है। आप इसे हैंग भी कर सकते हैं
पर मैं इसे प्लेट में सेट करूंगी। देखिए तैयार हो गया हमारा कोकेडमा।